तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्धाकड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जेकेबी नूनू, यानी कि झारखंड के बेरोज़गार नूनू। तो आज हम झारखंड के बोकारो जिला के पेटवार प्रखंड में अंतर्गत जो आता है ये गांव, जिसका नाम है चांपी और इसकी जनसंख्या 6,000 2011 की जनगणना के अनुसार थी, लेकिन अभी इसकी जनसंख्या देखी जाए तो ये करीबन 15 से 16 हज़ार के समथिंग हो गया है। इसमें बहुत सारे टोला मिलकर ये गांव बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ा है और जैसे टोला में बोला जाए तो ऊपर टोला, बीच टोला, नीचे टोला, अंबर टोला और केसबारी, धराई टाड़, जमुनिया टाड़, बड़की टाड़, जरका टाड़ और रोहिया सरी, बुरी सराय, चटगड्डा, जितुड़ी, बहुत सारे ऐसे टोला हैं जो मिलकर एक बड़ा सा गांव का निर्माण हुआ है। है बात यहाँ गांव की डेवलपमेंट की और गांव के जो दिनों दिन जो डेवलपमेंट की लेवल जो है वो ऊपर ना जाके नीचे जा रही है। कारण यहाँ की सड़कें, सड़क जो है वो बहुत मान्य रहता है डेवलपमेंट के क्षेत्र में, कि अगर सड़क हमारा बढ़िया रहा तो जल्दी ग्रो करती है वो गांव हो या शहर हो। तो आइए हम चलते हैं, इस गांव की जो सड़क है उसको दिखाते हैं, जो कि वो जमुनिया टांड में स्थित है और जमुनिया टांड ये जो रास्ता गया हुआ है ये सीधा ये रास्ता जाता है चांपी और बड़की टांड, मतलब उधर से एक रास्ता आया हुआ है जो कि दांतू से होते हुए और वो सीधा मिलता हुआ निकलता है ये टेनूगढ़ की ओर। टेनूगढ़ एशिया महादेश का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। सड़क इतनी गंदी हो गई है कि देख के कोई भी आश्चर्य होगा और चौंक भी जाएगा कि आखिर इस हालात में क्यों है। यहाँ के मुखिया और यहाँ के सरपंच, गांव के जनप्रतिनिधि जितने भी, वो आखिर क्यों नहीं इसके बारे सोच रहे हैं, क्यों कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, लोग आखिर क्यों इसके बारे नहीं सोच रहे हैं, अगर सोच भी रहे हैं तो फिर चुपचाप क्यों हैं, आखिर कब तक इस तरह से चलेगा। गांव के सड़क की जो पानी जो ये बह रहा है ये जमुनिया टांड वाला, ये जो स्थिति है ये आज की नहीं, करीबन 2 से 3 सालों की है और यहाँ से हमेशा 5 से 10 बंदे जो हैं प्रत्येक महीना यहाँ दुर्घटना हो जाती है। किसी की पैर टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, तो किसी तरह का बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। स्कूल के यहाँ बच्चे आते हैं स्कूल के लिए, कभी कभी उनका पैर फिसल के गिर जाते हैं, उनका फिर स्कूल जाना प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये चीज़ क्यों नहीं सोच रहे हैं, आखिर क्यों इस तरह से है, क्या कारण है। भारत के संविधान और पंचायती राज, भारत के संविधान और पंचायती राज के अनुसार गांव के प्रमुख को चुना जाता है यहाँ लोगों के द्वारा, और जिसे प्रमुख व्यक्ति को चुना जाता है वो प्रमुख व्यक्ति गांव का प्रधान होता है। पर गांव का प्रधान बनने के बाद गांव के विकास की ओर नहीं देख रहे हैं वो गांव के प्रधान। गांव का प्रधान का भी कुछ कर्तव्य होता है, कुछ उनकी जिम्मेदारियाँ होती है, वो निस्वार्थ पूर्ण वो काम करना चाहिए उन्हें। इन्हें सोचना चाहिए कि गांव की जो स्थिति है, गांव के लोग हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं और परिवार के लोगों को ऐसा ही नहीं छोड़ा जाता। जब तक नहीं हम लेंगे एक्शन लेंगे तभी तो वो आगे कुछ होगा। तो देखिए, इसके माध्यम से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि रोड जो है, रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो
कोई भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। और अगर हमारा पास रोड है तभी हम कोई भी कंपनी या छोटा मोटा भी कंपनी या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर रोड हमारा सही नहीं रहा, गड्ढा रहा, पानी जमा रहा, बड़े बड़े गड्ढे रहे रोड पे, तो ऐसा क्या होगा कि अगर हम सपोज दैट कोई शीशा या कुछ नाजुक चीज़ का हम बिजनेस स्टार्ट किए हैं, जैसे कि मान लो अलमीरा है, अलमीरा में हम शीशा फिट करते हैं, तो शीशे की फिट के लिए हम रॉ मटेरियल हम मंगवाते हैं। अब रोड सही नहीं होने के कारण रॉ मटेरियल हमारा जब आता है, अगर हमने मंगवाया 20 पीस तो उसमें 5 पीस टूट गए रोड के जर की वजह से, या तो फिर झटके की वजह से, जो रोड सही नहीं होने के कारण गड्ढों में गिरा, फिर उछला, गिरा नीचे, तो इसके कारण टूट गया, तो उसकी जिम्मेवार कौन हुआ? चलो कंपनी एक बार घटा सह के दे दी कि चल भाई मेरा नुकसान है, एक बार, दो बार, हद से ज़्यादा 3 बार किए, उसके बाद वो घटा नहीं सहेगी, वो मना कर देगी आपके एरिया में, आप दूसरे जगह चूज कर लो, वो जगह नहीं पहुंच सकती, वहाँ मटेरियल बहुत हमारा नुकसान हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे?